नमस्कार, आज हम हैं हरसील की घाटी में और एक बहुत विशेष व्यक्तित्व के साथ हम यहाँ पर हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि उत्तरकाशी हम आए हैं महाशिवरात्रि मनाने के लिए, तो बहुत अच्छा और वृहद कार्यक्रम हमने देखा। लेकिन उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज वो हमें देखने को मिली कि जितना बड़ा जमावड़ा था उतना ही कम पोस्टरबाजी और जो हम कहते हैं कि स्वयं का महिमा मंडन कम था। और एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम खड़े हैं जो यहाँ के जितने सारे तीज त्योहार हैं और खासकर इस घाटी की सबसे एक धर्माटन से लेके आप पर्यटन की बात करें, धार्मिक क्षेत्रों की बात करें, हर चीज को एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं उत्तराखंड। और अगर हम बात करें उत्तराखंड के अलावा इस क्षेत्र की जिले को रिप्रेजेंट इन्होंने बहुत ही राष्ट्रीय लेवल पर किया है, तो बहुत बहुत स्वागत अजय पुरी जी का। तो सर, एक बहुत वृहद कार्यक्रम हुआ, क्या सोच थी इसके पीछे? धन्यवाद रमन भाई। पहले तो मुझे आपसे सीखने को मिल रहा है कि आपने बेंगलोर में बैठ करके इसके माध्यम से अब तक खींच चले आया और उस खिंचाव से ही आज हम लोगों ने इतना बड़ा जो काम किया है, और हमने नहीं किया, महादेव ने किया है। हमने सिर्फ एक जो कंटेंट्स होते हैं उस तरह से, अपने जो टूल्स होते हैं उस तरह से हमने उसमें काम किया है और काम करके उनको दिया है जिनके लिए काम करना। तो माँ गंगा और भगवान काशी विश्वनाथ की अगर ये नगरी है, भूमि है, उनकी धाती है, उस धाती के प्रति हमें क्या अपनी उस माटी का हमारा एक ऋण क्या होना चाहिए, उस माटी के प्रति हमारे एक माँ के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, बाप के लिए हम क्या दे सकते हैं। लेकिन उन माँ बाप का सृजन उसी प्रकृति ने किया है, उसी हिमालय ने किया है, और हमें इसका सौभाग्य है कि हम उत्तरकाशी में यहाँ के बासिंदे हैं, उत्तरकाशी हम लोग रहते हैं और उत्तरकाशी के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं। तो मन में ऐसा आया जैसे कुल्लू का दशहरा मेला होता है, वहाँ का अन्य जगह हम जब जाते हैं तो स्पेन में हम जाते हैं तो टमाटो फेस्टिवल होता है और कहीं चीज़ फेस्टिवल हो रहा है, तो कुछ से कुछ अपनी संस्कृति, अपना पर्यावरण, अपनी जो उनकी खान पीन है, जो भी चीज़ें हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेकर के उन्होंने कभी आज से 100 साल पहले 150 साल पहले कुछ उन्होंने काम किए होंगे, उस काम को देखते हुए, उस चीज़ को समझते हुए, उसको गहन अध्ययन करने के बाद हमें लगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ महादेव है। और वो महादेव जिसको किसी ने देखा नहीं है, तो उस महादेव के प्रति ये एक श्रद्धा है, उसके प्रति एक अटूट हमारा एक जो विशेष जो एक लगाव है, और जिसके पीछे हम लोगों हमारा रोजगार भी है, हमारा आगे का जो पर्यटन है, हमारा तीर्थाटन है, हमारा देशाटन है, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उस महादेव और जो महा जो यहाँ की जो एक देवी कहीं कहाँ जाएगा वो माँ गंगा साक्षात दर्शन जो करती है। तो साक्षात दर्शन तभी आप कर पाते हैं जब उसको आप अपने निकट पाते हैं, अपने से आप आलिंगन करते हैं, अब फिर उसमें आप भाव विभोर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको क्या दे सकते हैं और किस तरह से हम उनको एक सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस तरह से उनका एक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो महादेव की शिवरात्रि में सिर्फ और सिर्फ एक पर्व होते पूरे साल, बाबा ने जब जहर पिया था, ऐसे मान्यता है कि बाबा ने जहर पिया था, तो हमने भी वो सभी जो हमारे पास जो ऐसे अवगुण हैं, हमारे पास जो बुरे जो बुराइयाँ हैं, हमारे जो बुरे जो सपने होते हैं, उन सपनों को उन चीज़ों को खत्म करने के लिए ये महादेव ने हमें एक प्रेरणा दी है, और उस प्रेरणा से ही आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें आप भी खींचे चले आए, हमारे दीदी माने से भी खींचे लोग चले आए और मैं एक भाई भी खींचे चले आए। तो एक बहुत अच्छा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिला, और इसके साथ ही बहुत दूर दूर से लोग आए थे जहाँ हम इस कार्यक्रम को देखने के लिए मौजूद थे। एक और चीज़ सर काफ़ी प्रमोट करते हैं, हमने सुना था कि बीच में जो एक मंसीर बगवाल जब हम मनाते हैं तो एक वो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ है, और जैसे जैसे एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आज वो दिवाली भी, वो बगवाल भी सेम दिवाली पर मनाई जा रही थी, लेकिन उसको भी एक वृहद तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो सर, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, मतलब आप क्या संदेश देते हैं? साथ ही साथ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे युवा जो हर क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके यहाँ भी कोई तीज त्यौहार होगा तो कैसे शुरू कराइए, उन लोगों के लिए क्या संदेश कि अपने फेस्टिवल्स को हम कैसे प्रमोट कर सकें अपने क्षेत्र के पर्यटन के लिए, बढ़ावा देने के लिए और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए? सबसे पहले तो अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, किसी चीज़ को अगर हम लोग एनालिसिस नहीं करेंगे तो बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें लगा हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग उकेर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं और उसको पैकेजिंग करके और उसको अच्छे से हम लोग उसको प्रमोट करें। जो चीज़ आपने भी आज पहाड़ी और टूरिस्ट के जो आप प्रोडक्ट्स ला रहे हैं तो आप अच्छे ढंग से उसका पैकेजिंग करते हैं, लेकिन वो थीम आपकी वही है कि भाई पहाड़ से इसका क्या कनेक्शन है। तो हमारी टीम को लगा, जो अनघा माउंटेन एसोसिएशन के नाम से है, उस टीम को लगा कि हमारी एक आइडेंटिटी क्या है और उस आइडेंटिटी हम कहाँ फिट हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि हमें इस पर काम करना पड़ेगा, और काम क्या करना पड़ेगा, मैन टू मैन, या हम कहते हैं घर से घर हमने मिलाए और जोड़े, और फिर हम लोगों ने पहले इसको देखा कि आज के ज़माने में ये कैसी बनाई जा रही है,
तो हम लोग कुछ गांव में हम लोगों ने एक दो साल तक पहले इसको सर्च किया और इस पर रिसर्च भी किया साथ साथ में कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, आरएनडी जिसे कहते हैं, उसको करने के बाद हमें लगा कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसका आज फल क्या मिला हमें कि मुंबई के कौथिक में और गाजियाबाद में जो इंदिरापुरम में महाकौथिक होता है वहाँ पर इसका आगाज हो गया है। अब आने वाले समय पर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इसमें रहेगा तो शीघ्र ही विदेशों में ये बगवाल खेली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बेहतरीन चीज़ ये है और हम आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि उत्तरकाशी एक बहुत अच्छा शहर है, चाहे आप धर्म की बात करें, पर्यटन की बात करें। और सर जैसे कह रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने ये चीज़ लेकर आए कि कैसे हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकें, मंसीर बगवाल को प्रमोट कर सकें। तो आप सभी से भी यही निवेदन है कि जहाँ भी रहें महादेव की कृपा बनी रहे, आप बस में एक माध्यम बनेंगे और डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छी इकोनॉमिकल ग्रोथ और पर्यटन के मानचित्र पे आपके क्षेत्र का नाम भी आ सकता है। तो साथ में जुड़े रहें और इन सब चीज़ों से कनेक्टेड रहें। जय काशी विश्वनाथ।